लालच बुरी वाला है, ये तो मैंने सुना था, आज देख भी चुका हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ मीम्स फाई की। 3 दिन बचे थे यार 9 अक्टूबर को, इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मीम्स फाई की तरफ से लिस्टिंग स्टार्ट हो रही है 9 अक्टूबर को, डेट पोस्टपोन कर दिया। लालच भाई लालच, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, हर कोई मान के चलो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रीमियम खरीद रहा है। भाई डेट तो बढ़ाना ही था, क्योंकि करोड़ों रुपए का फायदा जो हो रहा है इनको, तो इस तरीके से अगर कंपनी करती ना तो भाई दिमाग ख़राब होता है। हेमस्टर ने तो पहले ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, अभी उस वर्ड इस्तेमाल करने का मन करता है, कभी कभी गाली देने का मन करता है, पर क्या करें, जान दो यार, गाली देना पाप है। ओके, तो इसके कारण यहाँ पर मैं जाता हूँ। बहुत दिमाग ख़राब किया है हेमस्टर ने, और इन लोग भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। भाई मत करो, उसने कर चुका है, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। मीन्स भाई ने रॉकी रैबिट, भाई पहले ही बेकार था वो, और उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है उसमें भी, पर यह एक्स एम्पायर उस पर, और ये मान के चलिए टोमेटो हो गया है, ब्लम्स हो गया, ये तो अपनी जगह ठीक है, पर यहाँ पर मीम्स फाई अगर कुछ गलत कर रहा है ना, तो भाई उससे मेरा भी दिमाग खराब होगा। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मीम्स फाई से लेकर पहले बाइनेंस मून बिक्स अनाउंसमेंट, बाइनेंस की तरफ से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपको भी पता है इसके बारे में। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, रिएक्ट टू दिस पोस्ट विच वन ऑफ द इमोजी बिलो टू कास्ट यूर वोट, ठीक है, तो BNB आप कर लेना, क्योंकि भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो अभी जो सबसे हाई पर चल रहा है वो तो आपको BTC का पता है, वह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत हाई पर चल रही है, 50 लाख 60 लाख भाई एक एक दिन में, जैसे कि आपने देखा होगा अभी चल रहा है अक्टूबर, सितंबर की बात कर रहा हूँ, 5 तारीख को इसकी जो वैल्यू थी 40 लाख थी, और अचानक से 3 दिन के बाद 8 को ही 50 लाख गई थी, मतलब 8 लाख का फर्क हुआ था, 40 से 48 लाख 50 लाख इस तक गया था, तो लोगों ने 3 4 दिन में ही लाखों रुपए कमाए। तो उसके कारण ट्रेडिंग में अगर आपको लगता है ना, तो BNB सेकंड नंबर पे चल रहा है भाई, बहुत जल्दी इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपको लगता है तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप कर सकते हो BNB पर, ठीक है, क्योंकि बाइनेंस पीछे नहीं रहेगा, बाइनेंस बोला तो वर्ल्ड का नंबर वन क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो इसके कारण आप वहाँ पर जाकर इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ ये काम की बात नहीं है, काम की बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, न्यू फीचर्स एंड एयर ड्रॉप, स्टे ट्यून फॉर कंटिन्यूस अपडेट, न्यू फीचर्स एंड एक्साइटिंग एयर ड्रॉप डेट विल एनहेंस यूर एक्सपीरियंस। भाई नए नए एयर ड्रॉप्स आ रहे, तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी तरफ से एयर ड्रॉप्स नहीं आएगा, तो इन्होंने खुद बाइनेंस मूनबिक्स अनाउंसमेंट में 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन्होंने खुद कहा कि भाई आपकी जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा कर देंगे, हम अच्छा वाला एक्साइटिंग एयर ड्रॉप्स लेकर आने वाले। ये तो बात की बात है, मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ मीन्स फाई, और मीन्स फाई पर यहाँ पर एक दुखद भरी न्यूज़ आई है, इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको यही कहूँगा, इन्होंने क्या कहा, वी विल गिविंग अवे 90% ऑफ द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी। भाई कम्युनिटी को हम 90% हमारा जो टोटल सप्लाई है, और टोटल सप्लाई कितनी बता रहा है भाई, 10 बिलियंस का बता रहे हैं, 0.029 इसका जो एक्चुअल करेंट जो हमने प्री मार्केट पर वैल्यू देखे थे इतनी दिखाई दे रही थे, तो 0.02 चल जाएगा, इतने में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर देखते हैं, प्री मार्केट पर तो भरोसा भी नहीं करना वैसे भी। पर इन्होंने इसलिए 90% टोटल सप्लाई दे रहे क्योंकि नो सेकंड सीजन, इसमें सेकंड सीजन नहीं होगा जैसे कि कैट्स में हुआ था, नो मिल्किंग। हाँ वी आर फोर्सिंग एन अचीवमेंट एग्जैक्टली दिस द बेस्ट लॉन्च एनवायरमेंट एक्सेप्टिंग नो प्लान बी, कोई प्लान भी नहीं है, यही जो है प्लान भाई, इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि भाई हमने पोस्टपोन कर दिया, हमें पैसे की और ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी, जिसके कारण हम और ज़्यादा लालची इंसान हो गए, क्या बोलेंगे भैया। मीम्स फाई विल बी लिस्टेड ऑन द 6 लीडिंग सेक्स एंड 1 पेंडिंग कन्फर्मेशन, मतलब 7 पर ये लिस्टिंग होने वाली है, द लिस्टिंग इज बीन पुश्ड बैक टू अक्टूबर 30, 30 अक्टूबर है। ओके मेरे को अब इन पे भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हेमस्टर ने भी जुलाई का अगस्त किया था, अगस्त का सितंबर किया था ना, इन्होंने 9 तारीख से डायरेक्टली 30 कर दिया, अब 30 से कहीं अगस्त से सितंबर पे ना पहुंच जाए, नहीं अक्टूबर पे नवंबर ना पहुंच जाए, दिमाग खराब। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉइन अमाउंट, बट देयर आर गोइंग टू बी मल्टीप्लायर एंड द बोनस फ्रॉम द इंटरेक्टिव विथ मेनी एस्पेक्ट ऑफ द मीम फाई इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द टेस्ट नेट OG। भाई ये सिर्फ कॉइन बेस अमाउंट दिया जाएगा, मतलब मैं एक चीज़ बता दूं, पर इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं, जिसके कारण क्राइटेरिया जल्द से जल्द लोगों के सामने लेकर आएंगे कि इस बेस पर ये आपको मीन्स फाई के तरफ से एयर ड्रॉप्स दिया जाएंगे, उससे पहले भी ये स्नैपशॉट करने वाले हैं। ठीक है, द क्राइटेरिया विल फोकस ऑन मेकिंग यू ए लॉयल मीम फाई प्लेयर क्वालिफाई फॉर द मैक्सिमम एलोकेशन, कोर बोनस क्राइटेरिया डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा जो भी डिसऑनेस्ट मैनर तरीके से अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा डिटेल एयर ड्रॉप क्राइटेरिया जो भी रहेगा वो 10 दिन बाद नेक्स्ट 10 डेट्स इन द आर्टिकल आर्टिकल के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। स्नैपशॉट नॉट बीन टेकन एंड यू कैन कंटिन्यू प्लेइंग अंटिल वी हैव अनाउंस द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट अभी तक लिया नहीं गया, आप खेलना शुरू कर दीजिए, जैसे स्नैपशॉट लिया जाएगा हम आपको बता देंगे, मतलब 10 दिन के बाद, आज आप मान के चलिए 6 तारीख है, 16 तारीख तक चल जाएगा इनका स्नैपशॉट, दे दिया जाएगा, 16 तक देना शुरू होगा।
सेवरल मेजर कैंपेन आर गोइंग गो लाइव नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते से मान के चलिए 12 तारीख से बहुत ज़्यादा नए नए कैंपेन इनके तरफ से चलेंगे। फाइनल काउंटडाउन टुवर्ड द स्नैपशॉट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द मंथ, पूरे महीने भर चलता रहेगा। शॉर्टली आफ्टर द स्नैपशॉट के बाद हम रिलीज करेंगे एयर ड्रॉप शेकर, ठीक है, टोकन जनरेटेड इवेंट के साथ साथ। इसका मतलब यह है टोकन जनरेटेड इवेंट्स के पहले आपको स्नैपशॉट दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो देंगे, फिर उसके बाद ढूंढा जाएगा किस किस को एयर ड्रॉप्स दिया जाए। इतना ज़्यादा नाटक मत करो यार, जल्द से जल्द एयर ड्रॉप्स दे दो तो माने आपको कुछ और हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप रुक जाओ 30 अक्टूबर तक। पर इन्होंने अगर वैल्यू नहीं बढ़ाई अपनी मेंस वाई की तो फिर दिमाग खराब जम के ही हो जाएगा, फिर चालू हो जाता है अपना बॉयकॉट मेंस वाई, जिस तरीके से बॉयकॉट करके हेमशॉट का पत्ता कट कर दिए। तो हम टाइम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब्र कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई अच्छी वैल्यू लेकर आना है ना, दिमाग खराब मत कर देना। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ, बैक का क्लिक करूँगा, मैं वापस जाऊँगा, इसके अंदर मैं चेक तो करूँ, और बहुत सारी इन्होंने लालच दे दिए है। लेम्बोर्गिनी तो ऐसे बता रहे जैसे सही में देंगे, ये अपनी कोई आदमी को दे वे के बता देंगे कि भाई हमने दिए है, ये इतनी बड़ी महंगी चीज़ें देते नहीं है, लालच दिखाते हैं। हाँ, इधर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डेली चेक इन ऑन टोन, ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टोन है, कनेक्ट किया आपने, टोन कीपर पर गए तो वहाँ से क्या कर सकते हैं आप, टोन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास टोन है तो करना, नहीं है तो नहीं करना, क्योंकि उनके तरफ से कुछ कॉइन्स प्रोवाइड किया जाएंगे, 500 आपको एनर्जी भी प्रोवाइड किया जाएंगे, मतलब स्पिन करने वाली, ठीक है। कनेक्ट किया हूँ मैंने, मान के चलिए ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ, वेरी गुड। और उसके बाद अगर मुझे लगता है तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं टोन ट्रांजेक्शन फिर से की कर दूँगा। ये मैंने टोन ट्रांजेक्शन किया हूँ, 0.2 टोन लग रहा है, आपको लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, पर ज़्यादा का मैं सजेस्ट करूँगा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से 25 मिलियंस आपको कॉइन्स मिलेंगे और 500 आपको एनर्जी मिल जाएंगी, मतलब जिससे आप स्पिन कर सकते हैं। अभी हमारे इसमें जीरो दिखाई दे रही है एनर्जी, तो वो क्या होगा, एकदम से इंक्लूड कर दिया जाएगा इसमें। और 19 घंटे बचे हैं, बाइनेंस पर भी कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा, मीन्स वाई एक्स बाइनेंस कैंपेन इन ह्यूज प्राइस वी ट्रस्ट, जो ये कैंपेन की बात कर रहे थे ना, नए नए कैंपेन लेकर आएंगे नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते की बात कर पा रही है, 19 घंटे में कुछ ना कुछ तो उनके तरफ से लॉन्च पुल, एक ही तो रहता है यार, बाइनेंस के साथ बात कर रहे थे, मतलब लॉन्च पुल लेकर आएंगे, और लॉन्च पुल में कुछ हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्च पुल की तरफ से, तब जाके हम उनको उनके तरफ से मीम्स वाई के टोकन्स मिलेंगे। बस ये तो चीज़ चलते रहता है, उसके अलावा कुछ इन्होंने नई चीज़ बताई है कि हमें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके इसमें 47 दिखाई दे रहा है, और ये भी मुझे अभी तक प्राइस नहीं मिला, किस किस को मिल रहा है ये भी नहीं पता चल पा रहा है, मतलब जिस जिसको मिल रहा है इनकी तो लिस्ट आ जाती है, पर वो कौन लोग हैं जिन्हें मिल जाता है, हमें तो नहीं मिलता यार, कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए 500 हमें मिल चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद चलो एक काम करता हूँ ना, डायरेक्टली स्पिन ही कर देता हूँ मैं, लैम्बो एक बार चेक कर लेता हूँ। टिकट हमारे पास 11 है, लैम्बो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने टिकट रखे है, पर पता नहीं है टिकट से हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलने वाला तो नहीं होगा शायद। एक मिनट, स्टॉप स्टॉप भाई स्टॉप कर ले, 1 2 3 5 करके देखते ना भाई, 10 ही कर लेते ना डायरेक्ट, पता चले कि भाई क्या चल रहा है हमारे इसमें, मिल रहा है कि नहीं। 48 49 50 49 हो गया ना, हाँ 50 हो गया, चलो ठीक है, बस कंप्लीटेड। यहाँ से मैंने इसे कर दिया वो बंद, जाकर चेक करते काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, टिकट नंबर मिल गया है, अब देखते हैं मिलता कि नहीं। एक तो भी बार मिल जाए, 0.02 ETH भी मिल जाएंगे तो वो भी काफ़ी होगा, उसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए किस तरीके से उसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। 9 अक्टूबर से इन्होंने 30 अक्टूबर कर दिया है, तो अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, वैलेट पर जाएंगे, ETH यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको कहा था कम से कम आपको 0. यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.01 ETH आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब $20 के आसपास आप यहाँ से विड्रॉल हो जाएंगे आपको, और बाकी कुछ नहीं है इसमें अभी तो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या चीज़ चल रही है, बस हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 30 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। अब कल परसों से इस पर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, जिस तरीके से चल रहा था चलने दीजिए, बस आप क्या कीजिए स्पिन करते जाइए और अपना लिस्ट में नाम आ जाइए बस, ताकि 29,000 इनके तरफ से जो डॉलर दिया जा रहा है उसमें कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। इसका कारण स्पिन के लिए आप 0.2 टोन का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा देने से हमें पैसा मिल तो नहीं रहा, ऊपर से हम 0.2 टोन दे दे के भाई इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेके 1-2 टोन तो इसमें ही हमारा वेस्ट हो जाएगा और पैसा भी चले जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा भरोसा मत करना, और इसमें भी भरोसा मत करना कि लाखों रुपए दे दे, मैंने बोला ना 5, 6, 7, 8, 9, 10 10,000 तक बहुत हो गया तो, वरना ये भी 2-4 हज़ार में ही अटका देगा। चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करो फ्रेंड्स का चैनल एज़ॉस इंजीनियर, ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।